स्वागत है आपका बिजनेक्स्ट की पाठशाला में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कैसे आप एप्लीकेशन में मौजूद खाता मॉड्यूल का उपयोग कर अपने अकाउंट का हिसाब किताब रख सकते हैं, खाते का इस्तेमाल कर रखे लेन देन का हिसाब, और कभी ना भूलें अपने ग्राहकों से पैसे लेना खाता रिमाइंडर्स के साथ। बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन में अपने क्रेडेंशियल्स दर्ज कर लॉग इन करें, होम पेज को स्क्रॉल कर नीचे जाएं और कलेक्ट पेमेंट सर्विस के अंदर खाते को सिलेक्ट करें। अगर आप कोई नया ग्राहक या वेंडर ऐड करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करें। यदि आपको ग्राहक का अकाउंट क्रिएट करना है तो कस्टमर का ऑप्शन सिलेक्ट करें और उनकी ज़रूरी जानकारी जैसे कि उनका नाम, नंबर, ऑप्शनल फील्ड्स जैसे कि मेल आईडी, शॉप नेम और एड्रेस दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें। ऐड करते ही आपको क्रिएट किया हुआ ग्राहक का अकाउंट दिखाई देगा। ग्राहक के साथ लेन देन की नई एंट्री करने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करें। अगर ग्राहक को आप कुछ सामान उधारी में सेल कर रहे हैं तो सेल की एंट्री करें। यहाँ रिसीवेबल अमाउंट, सर्विस, ट्रांजैक्शन डेट, ड्यू डेट एवं रिमार्क्स दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें। लेजर में ये एंट्री आपको दिखाई देगी। जब आपका ग्राहक आपको पैसे वापस करता है तब वापस उनका लेजर ओपन करके रिसीट की एंट्री सेलेक्ट करें और रिसीव्ड अमाउंट, पेमेंट मोड, ट्रांजैक्शन डेट और रिमार्क्स को दर्ज कर सेव पर क्लिक करें। इस अमाउंट की एंट्री ग्राहक के अकाउंट में ऐड हो जाएगी। ऐसे ही आप बाकी रिसीवेबल्स और पेबल्स की एंट्री यहाँ दर्ज करें जिससे आपको अपने व्यापार के लेन देन याद रहें और आपको कोई नुकसान ना हो। बिजनेस के साथ जुड़े रहें और निरंतर प्रगति करते रहें। ऐसे जानकारी वाले वीडियो समय समय पर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।